उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भाजपा कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर से सांसद हरीन मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सांसद हरीन मलिक झूठ की राजनीति ना कर विकास की राजनीति करें। दरअसल आपको बता दें, इन दिनों मुजफ्फरनगर जनपद में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के द्वारा अपनी सांसद निधि में कराए गए कार्यों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री संजीव बालियान का आरोप है कि कुछ दिन पूर्व वर्तमान सांसद हरेंद्र मलिक ने दिल्ली से चलकर मेरठ आने वाली आरआरटीएस को लेकर मीडिया में झूठी भ्रांति फैलाई थी। उन्होंने कहा था कि आरआरटीएस को मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचा। इसी बात को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने एक प्रेस वार्ता की और आरआरटीएस मुजफ्फरनगर तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को लेकर जानकारी दी। अभी तीन दिन पहले मीडिया के माध्यम से खबर छपी कि आरआरटीएस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो दिल्ली से चलकर मेरठ आती है उसे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा, और यह कहा गया उस खबर में कि मैंने इस बारे में मुजफ्फरनगर की जनता से झूठ बोला है। आज मैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके बीच में आया हूं कि जो वर्तमान सांसद है उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में इसका प्रस्ताव मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का मेरठ से केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के बाद 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% प्रदेश सरकार के द्वारा डीपीआर के लिए संस्था, जिस संस्था ने डीपीआर बनाया उसको दिया जा चुका है। डीपीआर पूरी बन चुकी है, जिसका प्रेजेंटेशन मेरे समक्ष भी और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष भी प्रेजेंटेशन हो चुका है। अब ये प्रस्ताव अप्रूवल की स्थिति में आ सकता है। प्रस्ताव पहले गया हुआ है, उनके द्वारा जो कहा गया था वो झूठ था। आज तथ्यों के साथ पिछले 3 साल के 4 साल के जितने पत्र हैं वो मेरे द्वारा मीडिया को दिए गए, जिनमें सिद्ध होता है कि प्रस्ताव बहुत पहले जा चुका, वर्तमान सांसद को इस बारे में ज्ञान नहीं था। एक कॉपी में उनके पास भी भेजना, जिससे उन्हें ज्ञान हो जाए इस बात का, और आगे से वे झूठ की राजनीति, आरोप की राजनीति ना करें, विकास की राजनीति करें। मुजफ्फरनगर में जो प्रोजेक्ट पेंडिंग है, चाहे वो दौड़ा से पानीपत रेल लाइन हो, चाहे आरटीएस को मेरठ से मुजफ्फरनगर लाना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एक नया नेशनल हाईवे है, जो प्रोजेक्ट बीच में पेंडिंग में छोड़ के हटा हूँ, जनता ने उनको काम दिया है और वो विकास की राजनीति करे, वो उन प्रोजेक्ट में काम करे, मेरा उनसे ऐसा निवेदन। यहाँ भी थोड़ा सा ज्ञान की कमी है उनमें। नेशनल हाईवे वो होता है जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ता है, उन्हें थोड़ा पढ़ा दीजिए बात को। तो एक जिले में एक हाई नेशनल हाईवे नहीं हो सकता, नेशनल हाईवे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क नेशनल हाईवे बन सकती है। तो अब ये जो बने हैं, अब ये हो सकता है वे विधायक रहे, जब ये नेशनल हाईवे बने हुए उनके बेटा विधायक रहा, जब बनाओ ये आपको पता है, मुझे ऐसा सवाल पूछो जो आपको ना पता। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितनी पहले जितनी ताकत अब नहीं है, क्योंकि जनता ने जिनको चुना है वो ताकतवर होते हैं, जनता ने उन्हें काम, मेरा पूरा सहयोग रहेगा, पॉजिटिव सहयोग होगा। अगर वो अपनी नकारात्मक राजनीति छोड़ते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। अगर वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना चाहते हैं तो अब मैं भी तैयार हूँ, मुझे बहुत दिन हो गए सहन करते हैं, हर आरोप का जवाब उन्हें उचित उसी तरीके से दिया जाए। मुझे ये कहना है कि उसमें होटल बनवाना चाहते हैं, होटल नहीं बनने दिया जाएगा, जो इमारत जैसी थी ऐसी रहेगी, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी जमीनों में होटल नहीं बन सकते। आपने कहा आरआरटीसी की फुल फॉर्म बता दें, क्या उनकी शिक्षा पे आप उंगली उठा दे? मैं किसी की शिक्षा पे उंगली उठाने वाला कौन हूँ? मैंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति करें बेहतर रहेगा उनके लिए भी और मेरे लिए। कुछ लोगों का विकास हुआ है, कुछ परिवारों का विकास हुआ है, मेरा मुंह मत खोलो। वो पूरा मुंह खोलने जितने उनके मुंह में है, पूरा मुंह खोलने के लिए स्वतंत्र है, जैसा उनका उधर से जवाब आएगा दुगनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। मैं तो था, मैं तो आपको बता रखा ना, आप उनकी बात हर चीज में से मत पूछिए। अगर आपको लगता है आप एक पत्रकार के नाते शहर जिले में घूमते हैं, अच्छे विकास कार्य हैं, तो आप खुद तय कर लीजिए, हर बात उनकी जवाब देना मेरा कोई वो नहीं है। मुझे जनता ने जवाब दे दिया है कि 5 साल विपक्ष में बैठ, अब आरोप लगाना मेरा काम है, उनका काम करना है,
उन्हें जनता ने जो चीज ना वो दे दिया। इस तरह के बयान उचित नहीं है, इस तरह के बयान उचित नहीं है। भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और मजबूत रहेगा। यहाँ हमेशा चुनाव समय पर हुए और देश की जनता ने मोदी जी को चुना। वो उनकी इच्छा है।